संदेश खाली, यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामले में आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीएमसी नेता बीते 55 दिनों से फरार चल रहा था। शेख शाहजहां को आधी रात के आसपास उत्तरी 24 परगना जिले से बंगाल की एक विशेष पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे बशीरहाट कोर्ट ले जाया गया, जहां कोर्ट ने शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, पहले वकील की जुबानी वो सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर शाहजहां शेख बीते 55 दिनों से कहां छिपा हुआ था और उसे पुलिस ने कैसे धर दबोचा। पहले वकील का बयान सुनिए। 2009 का एक केस था जो 5/1/2024 में हुआ था, और नाजाटेट दोनों केस में, एक केस में पीसी मांग रहा था, पुलिस ने 14 दिन का पीसी मांग रहा था, 10 दिन अलाउ हुआ, ठीक है। और एक केस में सोना अरेस्ट किया है, नेजट 8/2024, इस केस में सोना अरेस्ट हुआ है, और उस केस में 14 डेज का पीसी मांगा था, उसमें 10 डेज अलाउ हुआ है, लाइन एट को 10 डेज के लिए पीसी अलाउ किया है। दोनों केस में 10 डेज? नहीं, एक केस में पीसी लिया है और एक केस में जस्ट अरेस्ट दिखा रहा है। तो कौन सा केस में पीसी मिला है? नेजर 9 2024। कौन सा घटना था सर इसमें? इसमें वो जो ईडी ऑफिसर्स जो संदेश कल्ली में जाकर उनके बारी जाकर जो उनको नोटिस सर्व बाय इन्वेस्टिगेशन पर्पस उनको तरह मीट करने जा रहा था, उसमें उन्होंने इंस्टिगेट किया, कुछ लोगों ने मिलकर ईडी ऑफिसर्स पर कुछ अटैक हुआ था, उसमें बहुत सारे ईडी ऑफिसर्स ग्रीवियसली इंजर्ड हुआ था, उसका गाड़ी भी टूट गया था, भंगचूर हुआ था, ठीक है। और उन लोगों का जो मोबाइल, लैपटॉप, जो पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने स्नैच कर लिया था। तो ये घटना थोड़ा गंभीर था, तो ये ग्रीवियस ऑफेंस में उनको 14 दिन का पीसी मांगा था, ठीक है, 10 डेज के लिए लाइन ऑफ अलाउ किया है। जी हां, ईडी टीम के अधिकारियों पर हमले और लूटपाट मामले में शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। अब जान लेते हैं कि आखिर संदेश खाली हिंसा का मुख्य आरोपी कहां छिपा था। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि शाहजहां शेख ईडी टीम पर हमले के बाद करीब 55 दिनों से फरार चल रहा था। बताया गया कि शाहजहां शेख मीनाखा में एक मछली फार्म के बीच गेस्ट हाउस में छुपा हुआ था, यहीं से पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। बता दें कि मीनाखा उत्तर 24 परगना में ही आता है। शाहजहां के पीछे राज्य के साथ साथ केंद्र की भी एजेंसी पड़ी थी। शाहजहां शेख की ये गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बाद की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। दरअसल 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल की 24 परगना जिले के संदेश खाली में हजारों लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। यहां कथित तौर पर राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी की टीम शेख के परिसर में छापेमारी करने के लिए गई थी। ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद से ही शाहजहां शेख फरार था। शेख की गिरफ्तारी की मांग कर रहे लोगों ने इलाके में हिंसक प्रदर्शन भी किया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।